हेलो एवरीवन, वेलकम इन दादी स्टडी रूम। आज हम आरआरबी जेई जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाह रहे हैं। आरआरबी के अंदर जो जो वैकेंसी निकली है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जितने भरे गए हैं उस बारे में आपको जानकारी देंगे, कितना रेशियो हुआ है कि पर सीट पे कितने स्टूडेंट बैठे हैं, उन सभी की आपको जानकारी आज इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगी। या ये जो डाटा है ये 30 जनवरी के नाइट में कलेक्ट किया हुआ डाटा है, जो कि सबसे लेटेस्ट हो सकता है 30 जनवरी नाइट तक का डाटा है, क्योंकि आज के दिन 31 जनवरी लास्ट डेट है जो आज कोई भी फॉर्म शायद नहीं भरना चाहेगा। सो ये डाटा आपको काम तब तक आएगा, मतलब कि आपने अगर कहीं से फॉर्म भर दिया है तो आप आजमा सकते हैं कि आपका लक सही है या नहीं, आपने जहाँ से फॉर्म भरा है वो आपके लिए फ़ायदे में है या नहीं, वो आप इस डाटा से आप पता लगा पाएंगे। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस टाइप का वीडियो हम पहले भी ला सकते थे, 10 दिन पहले भी ला सकते थे, जिससे आप देख सको कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए, लेकिन हमने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट अपने आप में इंटेलिजेंट होता है कि उसको पता है फॉर्म कहाँ से भरना है, कहाँ से नहीं, कहाँ से वैकेंसी कम आती है, कहाँ ज़्यादा आती है। सो लोगों ने इस टाइप में वीडियो और यूट्यूबर्स ने बना बना के मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को टोटली कंफ्यूज किया है, क्योंकि जहाँ पे कम वैकेंसी जाती है, जहाँ पे कम फॉर्म भरे जाते हैं, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए, इस कारण काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका था। सो हमने तो इस रीज़न से ये वीडियो पहले नहीं लेके आए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी जो सलाह है वो कमेंट में दीजिएगा कि आप कंफ्यूज हुए या नहीं हुए कि कहाँ से फॉर्म भरें। नाउ अब आप इस वीडियो से पता लगा पाएंगे कि आपने जहाँ से फॉर्म भरा है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, आप सिर्फ यही पता लगा पाएंगे क्योंकि आज लास्ट डेट है और मैंने आज ही ये वीडियो अपलोड की है। सो अपन डाटा पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई के अंदर टोटल फॉर्म भरे गए हैं लगभग 405,717 फॉर्म, ये है डाटा 30 जनवरी नाइट तक का। तो इतने फॉर्म भरे गए हैं मुंबई के अंदर। पोस्ट थी, नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल थी वो थी 1544 नंबर ऑफ पोस्ट थी। और मैं ये थोड़ा सा मैंने ये इस वीडियो के अंदर जनरल जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल से जो बिलोंग करते हैं जनरल रीजन से, उनके लिए और जनरल में सिविल जो आते हैं उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल होगा, थोड़ा डाटा उनके लिए भी कलेक्ट किया है। तो अगर आप जनरल से नहीं आते तो आपके लिए नॉर्मल ओवरऑल रेशियो काम देगा, और अगर आप जनरल से आते हैं तो आपके लिए ये वाला रेशो काम देगा। जनरल में भी सिविल से आते हैं तो आपके लिए ये रेशो थोड़ा वर्क करेगा, आप देख पाएंगे कि आपने कितना बेनिफिशियल में हुआ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बॉम्बे से है 1544, जिसके अंदर अगर मैं आपको जनरल की पोस्ट बताऊं वो पोस्ट है 816, जनरल की पोस्ट है आपकी 816। और उसके अंदर भी अगर मैं आपको जनरल में सिविल की पोस्ट बताऊं तो वो है आपकी 329। सो सबसे पहले अपन ने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, अपन ने ओवरऑल रेशियो निकाला कि एक सीट के ऊपर कितने पर्सन, कितने स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को मुंबई में देंगे, जिसके अंदर 262% या स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को एक सीट के लिए फाइट करेंगे, जो तो है ओवरऑल रेशियो। मींस आपका नंबर ऑफ पोस्ट जब 1544 है, जिसके अंदर सारी ब्रांचेज, सिविल ब्रांचेस सारी है जो भी आएगी और सारे रीजन्स आएंगे, सारे जनरल कास्ट जो भी है सारी कास्ट आएगी, तब 1544 उस हिसाब से रेशियो बैठता है 262 का। अगर आप जनरल पोस्ट की बात करें, जनरल पोस्ट है 816 और टोटल नंबर फॉर्म में अपन इसका डिवाइड करें तो अपन पता लगा पा रहे हैं कि जनरल के लिए 649 जो स्टूडेंट्स है वो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। वहीं अपन जनरल सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट की बात करें तो 1408 स्टूडेंट्स है जो वन सीट के लिए बात कर रहे हैं, वन जो सीट है उसके लिए फाइट करेंगे। 1408 के अंदर कोई बहुत सारे शामिल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन अपन ओवरऑल देख सकते हैं जनरल सिविल के लिए कि इतने पर्सन से ज़्यादा कोई नहीं है जो वन पहली एक सीट के लिए फाइट करेगा। तो नॉर्मल इन रेशियो से अपन पता लगा पाएंगे कि अपन कहाँ से अपन ने भरा है और अपन बेनिफिशियल है या नहीं। सो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं चेन्नई की। चेन्नई में अपन देखें तो टोटल फॉर्म फिल्ड किए गए हैं 398,224, जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट थी 1183 और ओवरऑल रेशियो आप देख सकते हैं 336, वन सीट के लिए 336 स्टूडेंट फाइट करेंगे, और जनरल पोस्ट के लिए 637 स्टूडेंट्स, और जनरल में भी सिविल इंजीनियरिंग में जनरल वाले 1210। सो अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद की बात करें तो उसके अंदर टोटल फॉर्म फिल्ड हुए हैं 269,376, जिसके अंदर
आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 789 और रेशियो की बात करें तो 341 स्टूडेंट्स फाइट करेंगे वन सीट के लिए और जनरल पोस्ट में 620 स्टूडेंट्स और जनरल में सिविल के लिए 1314 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए फाइट करेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता के अंदर 255,185 जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म हुए फिल्ड हुए हैं 30 जनवरी की नाइट तक। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कोलकाता में थी 1519 नंबर ऑफ पोस्ट थी, जिसके अंदर रेशियो निकल के आता है 167 जो स्टूडेंट्स है वो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। और अगर अपन जनरल पोस्ट की बात करें तो 327 जो स्टूडेंट्स है वो एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। और अपन जनरल सिविल इंजीनियरिंग बात करें तो 1033 स्टूडेंट्स हैं जो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो नॉर्मल अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद के अंदर अभी तक फॉर्म फिल्ड हुए हैं 235,961 जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट है 1446 और ये रेशियो है 163, 299 और 710। सिमिलरली अपन बात करें चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के अंदर जो रेशियो है जो नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड हुए हैं वो हैं 212,387 और नंबर ऑफ पोस्ट है 996 और ओवरऑल रेशियो है 213 और जनरल पोस्ट का रेशियो है 403 और जनरल में सिविल इंजीनियरिंग का रेशियो है 978, मतलब कि 978 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए फाइट करेंगे। बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड हुए हैं 185,016 जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 708 और ओवरऑल अपन रेशियो देखें तो 261 स्टूडेंट है वो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। 506 एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं जनरल पोस्ट में, जनरल सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट में 1250 जने एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड हुए हैं 137,558, नंबर ऑफ पोस्ट हुई है 825। आई थिंक ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है अजमेर, और काफ़ी गर्ल्स ने यहीं से ही फॉर्म फिल किया है। और अगर आपने अजमेर से फॉर्म फिल किया है तो मैं अजमेर के बारे में आपको बता देता हूँ। अजमेर के अंदर काफ़ी क्वालिटी स्टूडेंट्स मिलेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ गर्ल्स है जिन्होंने अजमेर से भरा है और गर्ल्स है जो एजुकेशन में पढ़ाई में वैसे भी उनका फोकस ज़्यादा होता है। सो अजमेर के अंदर आपको क्वालिटी जितने भी ये फॉर्म फिल हुए हैं सारे क्वालिटी पर्सन्स मिलेंगे, तो अजमेर के अंदर कॉम्पिटिशन टफ रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि अजमेर में फॉर्म कम भरे गए हैं फ़ायदे में हैं तो आप हो सकता है कि गलत हो और हो सकता है हम भी गलत हो, लेकिन अजमेर में मेरे हिसाब से क्वालिटी स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो अपन बात कर लेते हैं टोटल नंबर फॉर्म 137,558, नंबर ऑफ पोस्ट 825 अजमेर की और रेशियो देखें तो 666 स्टूडेंट बैठ रहे हैं एक सीट के लिए। जनरल पोस्ट की बात करें तो 326 स्टूडेंट्स हैं एक पोस्ट के लिए बैठ रहे हैं और जनरल सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट की बात करें तो 611 जो एक पोस्ट के लिए बैठ रहे हैं। गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर की बात करें तो उसके अंदर 88,361 फॉर्म भरे गए हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट 645 और जिसके अंदर ओवरऑल रेशियो देखें तो 136 स्टूडेंट्स है पर सीट के लिए, 262 है पर सीट के लिए फॉर जनरल, 670 है पर सीट के लिए जनरल सिविल इंजीनियरिंग में। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, 84,531 फॉर्म भरे गए हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट है 399 और ओवरऑल अपन रेशियो बात करें तो 211 स्टूडेंट्स है पर सीट के लिए बैठे गए हैं और 375 हैं जो पर सीट के लिए हैं फॉर जनरल पोस्ट और 828 है जो सिविल में जनरल पोस्ट के लिए, 828 बच्चे बैठे हैं एक सीट के लिए। भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल में 81,651 जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड हुए हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट है 383, भोपाल के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट 383 और ओवरऑल रेशियो की बात करें 213 स्टूडेंट्स हैं पर सीट के लिए बैठे हैं, 438 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठे गए हैं जनरल पोस्ट के लिए एंड 1407 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठे गए हैं जनरल सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। तो अपन गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। गुवाहाटी की बात करें तो 74,253 टोटल नंबर फॉर्म फिल्ड हुए हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट 586 गुवाहाटी के अंदर और ओवरऑल रेशियो की बात करें तो 126 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठे गए हैं और जनरल पोस्ट अगर बात करें जनरल के अंदर ओवरऑल रेशियो 242 स्टूडेंट्स हैं जो पर पोस्ट के लिए बैठे गए हैं और अगर जनरल में सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 444 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठे गए हैं। बिलासपुर की बात कर लेते हैं। बिलासपुर की बात करें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड हुए हैं 64,850 और जिसके अंदर अपन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो 404 हैं और रेशियो देखें तो 160 स्टूडेंट्स हैं पर सीट के लिए बैठे गए हैं, जिसके अंदर जनरल पोस्ट की बात करें तो 294 पर सीट के लिए बैठे गए हैं और जनरल सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट की बात करें तो 527 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठे गए हैं। भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर में 60,951 टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड हुए हैं जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 242 है, ओवरऑल रेशियो की बात करें तो 251 है जो पर सीट के लिए बैठे गए हैं, 554 है जो पर सीट के लिए जनरल के बैठे गए हैं, 909 है जो पर सीट सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए बैठे गए हैं।
एक मैं एक बात आपको रिपीट करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा कि नॉर्मल ये हमने रेशो के हिसाब से निकाला, एक बार वापस हम रिपीट कर देते हैं कि ये नंबर ऑफ पोस्ट 825 है। इसी प्रकार अजमेर के अंदर जो जनरल की पोस्ट है वो है, ये तो 825 के हिसाब से जनरल की पोस्ट अपन देखें तो 421, और अगर जनरल में भी सिविल की बात करें तो 225 पोस्ट है। तो अपन ये कंपटीशन के हिसाब से देख सकते हैं ये रेशो को। नॉर्मली 825 के हिसाब से जो ये 825 है इसका डिवाइड हमने टोटल नंबर फॉर्म में लिया तो अपन को पता चल गया एक जो सीट के लिए कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो 166 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठे हैं। लेकिन अपन अगर जनरल के लिए बिलोंग करते हैं, जनरल में 425 वैकेंसी थी तो 425 का हमने टोटल नंबर फॉर्म में फील्ड में डिवाइड किया, जिससे 326 आया पर सीट के लिए। वैसे देखा जाए तो हो सकता है कि ये 326 में कोई भी आ सकता है, लेकिन अपन वैकेंसी की बात करें, पोस्ट अपनी 425 थी, उसके अंदर अपन ने टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड हुए हैं उनका डिवाइड करके, टोटल नंबर ऑफ फील्ड में अपन ने इसका डिवाइड करके अपन ने जो रेशो निकाला है, इससे अपन पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल अपन देखें तो अपने पास कंपटीशन नॉर्मल ये है। लेकिन अपन ओनली जनरल से बिलोंग करते हैं तो अपन एक तरह से कंपटीशन अपना बढ़ गया 326, और अगर जनरल में सिविल की बात करें तो 611 कंपटीशन बढ़ गया। मतलब कि आप ये इस टाइप में अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड हुए हैं 57,489 एंड नंबर ऑफ पोस्ट है वहाँ की 460 जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई है, और जिसके अंदर अपन ओवरऑल रेशो देखें तो 124 स्टूडेंट्स पर सीट के लिए बैठ रहे हैं, और जनरल पोस्ट के लिए अपन रेशो देखें तो 242 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठ रहे हैं, और जनरल में सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट की बात करें तो 898 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठ रहे हैं। रांची में बात करें, रांची में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड हुए हैं 51,396 जिसमें टोटल नंबर पोस्ट 365 है, तो इस हिसाब से 140 स्टूडेंट्स पर सीट के लिए बैठ रहे हैं, 280 स्टूडेंट पर सीट के लिए फॉर जनरल, 650 पर सीट के लिए फॉर जनरल सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट। पटना में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 43,306 जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 299, और ओवरऑल बात करें तो 144 स्टूडेंट बैठ रहे हैं पर सीट के लिए, 302 पर सीट के लिए और 486 पर सीट के लिए, ये जो रेशो है इस टाइप में निकल रहा है। तिरुवनंतपुरम की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर 42,526 टोटल नंबर ऑफ फॉर्म हुए हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट है 137, ओवरऑल अपन रेशो की बात करें 310 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठ रहे हैं, 567 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठ रहे हैं फॉर जनरल पोस्ट, 988 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठ रहे हैं फॉर जनरल सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट। मालदा की बात कर लेते हैं, 25,798 जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड हुए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 248 नंबर ऑफ पोस्ट आई है, ओवरऑल रेशो की बात करें तो 104 ओवरऑल रेशो आया है, मतलब 104 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठ रहे हैं, 188 स्टूडेंट पर सीट के लिए फॉर जनरल पोस्ट, 460 पर सीट के लिए फॉर सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट। सिलीगुड़ी की बात करें, 20,504 फॉर्म फिल्ड हुए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 195, ओवरऑल रेशो बात करें 105 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठ रहे हैं, और जनरल पोस्ट की बात करें तो 209 स्टूडेंट पर सीट के लिए यहाँ पे बैठ रहे हैं, और 301 स्टूडेंट पर सीट के लिए फॉर जनरल सिविल इंजीनियरिंग की बात करें। तो मुजफ्फरपुर की बात करें तो उसमें 12,711 टोटल फॉर्म फिल्ड हुए हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट आपको 114 है, और ओवरऑल रेशो की बात करें 111 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठ रहे हैं, और 198 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठ रहे हैं फॉर जनरल, और जनरल सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए 310 स्टूडेंट पर सीट के लिए बैठ रहे हैं। तो ओवरऑल अपन सभी को देखें ध्यान में रखते हुए, तो नॉर्मल ये दो प्लेसेस हैं, मालदा एंड सिलीगुड़ी एंड मुजफ्फपुर, इस टाइप में दो तीन और हैं जो इस टाइप में हैं जहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन मालदा सिलीगुड़ी ये काफ़ी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो जाती है, मतलब काफ़ी दूर पड़ती है, जिसके अंदर अगर आप राजस्थान से कहीं से बिलोंग करते हैं तब तो यहाँ पे जाने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। मालदा और सिलीगुड़ी इस जगहों पे जाने में आपको लगभग एक से दो दिन आराम से लग सकता है, तो नॉर्मल आपको एक एग्ज़ाम देने के लिए 5 दिन आपके पास ऑलमोस्ट होने जरूरी है। तो जिस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो अगर कंपटीशन कम के हिसाब से आप जाना चाहें तो मालदा सिलीगुड़ी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास 5 दिन होने जरूरी है जब एग्ज़ाम हो, और ये अपने पास पॉसिबल नहीं होता कि अपन 5 दिन तक फ्री रह पाएँ किसी भी टाइम पे, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कंपटीशन कम है वहाँ से जाना है तो मालदा सिलीगुड़ी मुजफ्फरनगर कई और भी है वहाँ से आप भर सकते हैं। बाकी बेस्ट यहाँ पे अजमेर है जो इस बार बेस्ट रहा है, लेकिन आपने ये फॉर्म लास्ट में आप देख सकते हैं कि आप कितने बेनिफिशियल हैं, क्योंकि आज हमने ये जो पूरा अपने रिव्यू निकाला है इस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आपने जहाँ से भी फॉर्म भरा है आप कितने बेनिफिशियल है वहाँ से। कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी जो बुक्स है, जो भी आपको आरबी जेई की बुक चाहिए होगी वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि कौन सी बुक बेस्ट है और कहाँ से आपको परचेस करनी है, कहाँ से आपको मिल जाएगी, तो कौन सी बुक बेस्ट है आरबी जेई के लिए जो अपनी ये वैकेंसी निकली है इसके लिए कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, तो नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में सारा दे रखा है, तो वहाँ पर भी जाके एक बार देख लें कि डिस्क्रिप्शन में जो जो बुक है आपको जो बुक पसंद आए वो वहाँ से खरीद लें, और सारा आपको डिस्क्रिप्शन में ढंग से दे रखा है कि कहाँ से आपको परचेस करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम,
और ये आरआरबी जेई का जो भी अपना अपडेट या कुछ भी होगा वो भी हम आपको जल्दी इस चैनल पे वापस ला देंगे। कोई भी अपडेट आएगा तो हम जल्दी से इस चैनल पे ला देंगे, और इसकी जो प्रिपरेशन वीडियोस होगी वो भी इस चैनल पे आने वाली है आरआरबी जेई के बारे में। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा मेरे को कि आपने काफ़ी कन्फ्यूजन महसूस किया या नहीं किया, आपने काफ़ी वीडियो जो पहले आ चुके थे आरआरबी जेई के बारे में कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए कहाँ से नहीं उससे, तो वो भी मेरे को कमेंट करके या बता दीजिएगा। ओके, तो इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक करे बिना कहीं ना जाइएगा। थैंक यू।